अभी मेरा दुबई का दौरा हुआ, बल्कि एक सप्ताह में ये कहना चाहिए, एक बार नहीं दो बार जाना हुआ है। अब एक प्रश्न सब करते हैं कि भी एक सप्ताह में दो बार क्यों जाना हुआ। कुछ तिथियां इस प्रकार से तालमेल नहीं बैठ रहा था अलग अलग विषयों को लेकर के, इसलिए पहला दौरा मेरा 28 और 29 तारीख को हुआ और उसमें हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर केंद्र के श्री भूपेंद्र यादव जी, उनकी तिथियां उसी हिसाब से मिल पा रही थी। और हमने जो उस दौरे का पर्पज़ रखा था वो था कि हरियाणा में एक बड़े स्केल की एक जंगल सफारी, इसका निर्माण हम करने जा रहे हैं। उसके लिए जगह लगभग 10,000 एकड़ ऐसा हमने ईयरमार्क कर ली है, चिन्हित हो गई है। वो दो जिलों में वो जगह है, 6,000 एकड़ तो गुरुग्राम जिले की है और 4,000 एकड़ नूह जिले की है, एडजॉइनिंग दोनों जिले हैं। अरावली की पहाड़ियाँ वो एक उपयुक्त स्थान है, ऐसा फॉरेस्ट का जो एक एरिया वो अब हमने उसको डिक्लेयर करवाया है, तो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेरेशन के बाद वहाँ एक जंगल सफारी वो बनेगी। तो उस सफारी को बनाने के लिए कई प्रकार की जो कंसल्टेशंस हैं वो चल रही हैं। और प्रत्यक्ष शारजा की एक सफारी जो लगभग 2,000 एकड़ में है, उसका नाम भी काफ़ी प्रसिद्ध सफारी है, अफ्रीका के जंतुओं को ला करके, एनिमल्स को ला करके, और वो निर्माण किया गया उसका। पिछले 7 साल से उसका निर्माण हो रहा है, लेकिन अच्छी एक प्रेजेंटेशन उनकी है, तो हमने कहा उसको भी पहले देखेंगे और इंटरनेशनल लेवल के और जो कंसल्टेंट्स हैं उनसे भी कंसल्ट करेंगे, ताकि एक अच्छी लेवल की सबसे बड़ी सफारी एक प्रकार से ये होगी। अभी तक 10,000 एकड़ की सफारी शायद एशिया में तो कहीं नहीं है, अफ्रीका में कहीं हो तो मालूम नहीं है कोई। सर, नेचुरल सफारी या क्यूरेटेड सफारी तो विश्व की सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी होगी, तो इस प्रकार से अपने आप में इसकी कुछ विशेषताएं होंगी, लेकिन वो सारी कंसल्टेशन चल रही है। जब ये बनकर के सारा प्रारूप इसका तैयार होगा तो हमारे सामने वो आएगी। तो इस सफारी के संबंध में कुछ विषय जो जानकारी के लिए आपको मैं बताता हूँ, इसमें हमने अलग अलग जोन्स इसके अंदर जो विचार किए गए हैं, 10 जोन लगभग होंगे इसमें। एक बड़ा हर्पेटेरियम जिसमें रेप्टाइल्स, स्नेक्स आदि का एक एरिया होगा। एवरी बर्ड पार्क, जो एक एनक्लोज्ड एरिना होगा बर्ड्स के लिए, ताकि एक बड़ा क्षेत्र हर प्रकार के छोटे बड़े जो पक्षी हैं उनको वहाँ रखा जा सके और उनके लिए अंदर सारी व्यवस्थाएं भी होंगी, लेकिन वो बर्ड्स मौसम के हिसाब से वहाँ रहेंगे, ताकि वहाँ पर रहने के लिए उनको एक उचित वातावरण भी मिल सके। शेर जो हैं इनके अलग अलग 4 जोन होंगे, लायन होगा, टाइगर, पैंथर, चीता भी हम कोशिश करेंगे कि एक जोन उसके लिए बनाया जा सके, क्योंकि चीता की उपलब्धि अपने आप में थोड़ा कठिन है। फिर भी जैसे अब प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में एक चीते ला करके और जो एक वहाँ इस प्रकार का उनकी व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था हम भी विचार करेंगे कि केंद्र सरकार की सहायता से कहीं से भी हमको चीता उपलब्ध हो जाए तो उसको भी हम रखेंगे। फिर शाकाहारी जानवर जितने भी रहते हैं उसमें, उसका भी एक बड़ा क्षेत्र वो बनाएंगे। पशु पक्षी जो विदेश के हैं, अपने यहाँ जिसकी प्रजातियाँ कम मिलती हैं, ऐसे एक अलग से उसका भी एक जोन बनेगा। एक अंडर वाटर वर्ल्ड जैसा एक्वेरियम, इस टाइप के रेप्टाइल्स, इस प्रकार के जो अंडरग्राउंड भी होते हैं, रेप्टाइल्स तो जमीन पर होते हैं लेकिन मछलियाँ या मगरमच्छ, इस प्रकार के वो एक अंडरग्राउंड वाटर का एक जोन होगा। एक नेचर ट्रेल जिसमें वॉकिंग है, ट्रैकिंग है, साइकिलिंग है, इस प्रकार का भी एक जोन वहाँ रहेगा, ताकि जो टूरिस्ट आते हैं उनको वो भी एक उस प्रकार का मिले। विजिटर टूरिज्म जोन जिसमें ऑडिटोरियम होगा, 3D शोज होंगे, कुछ हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं उनकी एग्जीबिशन होगी, नेचुरल जो नेचर के अंदर रहने वाली चीज़ें ऐसी देश और दुनिया में पाई जाती हैं, उसका एक उसके लिए स्टडी सेंटर भी स्टाफ टाइप का हम कह सकते हैं, वो भी वहाँ प्रदर्शनियाँ उसकी वो लगेंगी। फिर एक बोटेनिकल गार्डन, बायोम्स जिसको कहते हैं, उसमें भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि पौधे जो है या फ्लावर जो है
देश दुनिया के अच्छे अच्छे जो प्रकार के विभिन्न प्रकार के उसका भी वहाँ प्रदर्शन होगा। ट्रॉपिकल कोस्टल डेजर्ट एक इस प्रकार से रहेगा। तो ऐसा एक बड़ा जो जंगल सफारी का एक प्रारूप ये निकल कर के आएगा। संयोग से दिल्ली के निकट होने के कारण से वीकेंड्स पर कैपिटल रीजन के जो लोग हैं उनको भी जाने का उसमें अवसर मिलेगा। एयरपोर्ट नज़दीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विदेशी जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी आकर्षण का एक केंद्र बनेगा और आसपास के इलाके की इकोनॉमी ये भी उसमें बढ़ेगी। हमने होम स्टे जो पॉलिसी है इसका जो प्रारंभ किया है उसका लाभ भी वहाँ के इलाके के आसपास के गांवों को मिलेगा। जो ये सारे एरिया जो है इसमें गांव जो आते हैं गरतपुर बास, सकतपुर, नौरंगपुर, बार गुजर, ऐसे लगभग 8-10 गांव बिल्कुल विसिनिटी में हैं, तो इनको भी उसका ये लाभ मिलने वाला है। अरावली फाउंडेशन की एक स्थापना की जाएगी, उस फाउंडेशन के माध्यम से ये पूरी परियोजना केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार या अन्य भी कोई इसमें स्टेक होल्डर्स अगर ज्वाइन करना चाहेंगे उसका भी हम अभी खुला रखा हुआ है। हमने इस सारे विषय को लेकर के और ये बनाया जाएगा इसका अध्ययन करने के लिए और इसका जो प्रारंभिक जिसको कहना चाहिए कि जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण उसको भी हमने जिम्मे लगाया है, उनसे भी इसकी इसका अध्ययन कराया जाएगा, उससे सहायता ली जाएगी। जमीन पूरी जो है वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सेक्शन 38 सेक्शन 80 इसके अंतर्गत वो जमीन जो है ली जाएगी ताकि गांव के लोग उस जमीन को और इस सफारी के लिए उपलब्ध करा सकें, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसको इस ढंग से जो कोई और व्यवस्थाएं वो सब करेंगे। ऐसा अभी तक योजना बनाई जा रही है कि पक्षियों की 180 प्रजातियां जो सामान्यतः अभी भी जब आसपास की जो लेक्स हैं विदेश की बहुत सी प्रजातियां वहाँ आती हैं मौसम के हिसाब से, साइबेरिया तक, रशिया तक सारी प्रजातियां, अफ्रीका से भी कुछ प्रजातियां ऐसी आती हैं जो क्या उसको बोलते हैं प्रवासी पक्षी, माइग्रेशन, तो उनकी जो माइग्रेशन होती है। मैमल्स और जो स्तनधारी वन्य जीव होते हैं उनकी भी 15 प्रजातियां ये इसके अंदर होंगी। रेप्टाइल्स और जमीन पर रेंगने वाले पानी में रहने वाले पशु ऐसी 29 प्रजातियां ये चिन्हित की गई हैं जो इसके अंदर होंगी। तितलियों की 57 प्रजातियां ये इसमें होंगी। तो ये एक प्रारंभिक जो इसकी स्टडी है ये सब हुई है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से यानी वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से हमको जो कंपनसेटरी इसका जो अमाउंट वो मिलेगा, क्योंकि जैसे पिछले दिनों में आप लोगों को जानकारी होगी कि बहुत बड़ा एरिया अंडमान निकोबार का उसको डीफॉरेस्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने एक हरियाणा को कहा था कि अगर आपके क्षेत्र में हम कुछ फॉरेस्ट एरिया बना दें और वो डीफॉरेस्ट एरिया हो जाए तो उसका जो कंपनसेटरी अलाउंस है वो हरियाणा को दे सकते हैं। उसी के कारण से ये इतना बड़ा सफारी का ये जो प्रोजेक्ट है ये उसका तैयार होगा ताकि इसको फॉरेस्ट एरिया में वो कंपनसेटरी अलाउंस जो है उसमें इस सफारी बनाने के लिए उसका उपयोग हम कर सकें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।